गेम 55 के ऊपर चल रही है, 2x रिजोल्यूशन पर, 1x पर 60 रहती है 1v1 कंडीशन में। 6 मैन टैग में आपको 1x रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, अदरवाइज स्पीड बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी। इसके साथ भी थोड़ी देर ट्राई करते हैं, देखते हैं कितनी गिरती है 2x पर। FPS, फिर से 55, जो वो एक्शन सीन था उसमें 41 हो रहा है, फिर से हो गया है 48, 45। सो यहाँ पर स्पीड थ्रॉटल हुई है 2x रिजोल्यूशन पर, 48 हो गई अब। FPS है, 80% गेम की स्पीड है, प्लेबल चल रही है फिर भी। यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा स्लो फील हो रही है, स्पीड अभी भी 80% दिखा रहा है पर कुछ ज़्यादा ही स्लो है। 1x पर ट्राई करते हैं, 1x पर देखते हैं, 1x पर कोई चेंज आता है तो। नहीं, अभी भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, 50 FPS है एंड 85% गेम की स्पीड है, 4-5% जो है गेम की स्पीड इंप्रूव हुई है 1x पर। कुछ खास वैसे फ़र्क नहीं पड़ा, गेम की स्पीड वैसी ही लग रही है। सिक्स मैन टैग को भी ट्राई कर लेते हैं, सिक्स मैन टैग शायद ये है। सिक्स मैन टैग में 34 FPS गेम चल रही है, 57% गेम की स्पीड है एंड ये स्पीड थ्रॉटल होने के बाद वाली है, मतलब स्टार्टिंग में इससे बेटर चलेगी, बाद में स्पीड थ्रॉटल होके ऐसा हो जाएगा। सिक्स मैन टैग में प्लेबल नहीं है, थोड़ी देर के लिए प्लेबल है, स्टार्टिंग में प्लेबल थी, अगर सीधा यहाँ पर चलाता तो। अभी थोड़ी सी स्पीड इंप्रूव हुई है 70%, 65-70% गेम की स्पीड है। इस एनिमेशन में और भी ज़्यादा गिर जाती है। सिक्स मैन टैग मेरे हिसाब से इतना बढ़िया नहीं चल रहा, प्लेबल नहीं लग रहा मेरे को, स्लो है। सो सिंगल वाला जो है उसमें आपकी गेम प्लेबल है, सिक्स मैन टैग में प्लेबल नहीं है। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही था, इतनी वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की ये गेम चलने वाली है रेडमी नोट 11 डिवाइस के साथ। 4GB रैम वेरिएंट है, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है।